क्या एक अलग मुख्तलिफ चीज में देखने को मिलेगी? आई थिंक कहीं ना कहीं हम बहुत रियल यू नो रियल इवेंट्स के ऊपर हमने फिल्म बनाई है. बहुत रियल है फिल्म, यू नो ओवर द टॉप, ओवर कमर्शलाइजेशन नहीं है फिल्म में. अब कहीं ना कहीं अब जब कैरेक्टर फिल्म देखेंगे तो जो कैरेक्टर्स हैं बहुत रियल है, जो जैसे उनकी बात करने का तरीका है और जिस यू नो सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं बहुत रियल हैं. तो आई एम अज्यूमिंग पीपल विल यू नो रिलेट अ लॉट विद इट. जैसे अभी ओ माई गॉड आई थी, पी के भी आई थी, जो सब्जेक्ट सिमिलर है बट जो एक्सिक्यूशन है हमारी फिल्म का वो बहुत डिफरेंट है इन दो फिल्मों से. वी फार मोर रियल, वी आर फार मोर हार्ड कोर. जो बाकी की फिल्में थी वो ऊपर ऊपर से यू नो इस मुद्दे पे यू नो बात कर रही थी, हमारा मेन मुद्दा यही है और हम बहुत क्लियर कट है इस मुद्दे को लेकर. आप खुद एक पत्रकार होती हैं तो आपको ऐसा मौका मिलता है किसी बाबा को एक्सपोज करने का, तो कौन से बाबा हमको एक्सपोज कर पाते हैं? आई थिंक जितने बाबा जो हैं मैं उनको ज़रूर एक्सपोज करना चाहती. जो हम देखिए, अब सारे बाबा तो बुरे नहीं हैं, देर आर सम गुड वंस, देर आर सम बैड वंस. वो तो जो लोग देखते हैं उनको पता है कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं. फिर भी आपके हिसाब से बुरे कौन? तो मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी. आई थिंक वी शुड नॉट पॉइंट फिंगर्स इंडिविजुअली, बट आई थिंक ये एक इंसान और दो इंसान लोगों का मुद्दा नहीं है, ये ऑन द होल एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है. आई थिंक ब्लाइंड फेथ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करना है और फिल्म उसी के ऊपर है, ब्लाइंड फेथ के ऊपर है कि कैसे आपको आंखें बंद करके आप किसी के ऊपर इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं. आई होप सो, हमारी कोशिश यही है ताकि लोग थोड़े अवेयर हो जाए. आई थिंक अगर लोग अवेयर हो जाए तो उसमें हमारी जीत है, क्योंकि दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ ट्राइंग टू डू. इट्स ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस फ्रॉड बाबाज बेसिकली. और अगर लोगों को लगा कि ऐसे उन्होंने बाबा कोई देखे हैं और ऐसे पे नहीं बिलीव करना चाहिए, तो हमारे लिए तो जीत गई. यार हम तो फर्स्ट फिल्म एक्टर्स हैं, हम तो रोक नहीं पाएंगे. जो जनता है जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करती है, दे आर द वंस हु कैन डू समथिंग अबाउट इट. पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक. अगर आप इनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऐसे बाबाओं को ग्रो करने से रोक सकते हैं. तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगी कि यार प्लीज़ थिंक बिफोर यू नो स्टार्ट फॉलोइंग समवन. उनके ऊपर रिसर्च करिए, वो कहाँ से आए, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करिए. ये नहीं कि आपके नेबर या आपके चाचा या आपके ताऊ उनको फॉलो करते हैं तो आपको भी फॉलो करना चाहिए. आई थिंक वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, नहीं रखनी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जो धर्म चलता है पूरे देश में, उसी देश चलता है, उसी पे हम सब चलते हैं. तो बाकी किसी के बारे में टीका टिप्पणी ना मैं कर पाता हूँ ना ही मुझे आता है. सर आपको इतना पूरा देश फॉलो करता है, अगर आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे मैसेज मिलेगा? देखिए ऐसा होता है, देखिए कोई चीज़ है, अगर फिल्म इंडस्ट्री है या मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका सदुपयोग करोगे तो पूरी दुनिया एक छोटा सा गाँव है. अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो इससे बड़ा कुछ कचरा नहीं है. तो दुरुपयोग करने वालों के लिए वो किसी भी विभाग के हों तो उनका तो वो क्या बोल सकते हैं कि ये बीमारी है, और इसका सदुपयोग करोगे तो 100% ये बहुत बड़ी आस्था है. सर डोंट यू थिंक कि अगर आप किसी बुरे को बुरा कहते हैं तो ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, तो ये बिल्कुल बुरे को बुरा कहना ही चाहिए. जो लोग बुरा करते हैं 100% वो बुरे हैं, और बुराई से बड़ा कोई दुश्मन कोई नहीं है. और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बुरा मत करो, आप अपने यहाँ पे बिलीव रखो, अपने काम पे बिलीव रखो, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है. और आप बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे. सर क्योंकि पहले ओ माय गॉड आ चुकी है, पीके आ चुकी है, ग्लोबल बाबा आ रही है, क्या बताएंगे इस फिल्म में, क्या ऐसा कुछ? अब फिल्म के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि फिल्म मनोज तिवारी हमारे अच्छे मित्र हैं, काफ़ी दिनों से हमारा एसोसिएशन है, तो इसलिए हम उन्हें शुभकामनाएँ देने आए हैं.
अब फिल्म देखेंगे तो फिल्म को देखने के बाद ही फिल्म के बारे में कुछ बोल सकते हैं। अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट, फिल्म अच्छी बनी हो, खूब चले और खूब लोगों को पसंद आए, खूब लोगों का एंटरटेनमेंट। क्योंकि सर आपने बताया कि मनोज तिवारी आपके मित्र हैं, तो उन्होंने आपको इस फिल्म में कास्ट नहीं किया, इस बात की आप शिकायत करते हैं उनसे कि ऐसे अच्छे टॉपिक्स में आपका होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप मझे हुए NSDA कलाकार हैं और आप होते तो फिल्म में चार चांद लग जाते। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए काम बना हुआ है और हमारे लिए जो काम तैयार होता है फिर वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो हम ये कभी इस चीज़ में नहीं सोचते कि हम किस चीज़ के हिस्सा हैं या किस चीज़ के हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हिस्सा अगर नहीं है तो बाहर से हिस्सा हो गए, अंदर से हिस्सा होते तो 100% अगर हमारे हिस्सा होने लायक काम होता तो हम ज़रूर हिस्सा होते। हम बड़ी पॉजिटिव किस्म के इंसान हैं और हम पॉजिटिविटी से ही बचपन से जिए, और जहाँ पर हमारा हक लिखा हो वहाँ पर कोई मिटा नहीं सकता, और जहाँ पर अपना हक ना हो वहाँ पर हम कभी दावेदार नहीं बनते। क्योंकि राजपाल जी आप एक ऐसे दौर में हैं, एक ऐसे स्टैंड पे हैं, क्योंकि आपके नाम से फिल्में चलती हैं, आपको स्पेशली देखने आते हैं, आपको नहीं लगता कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप हमेशा से NSDA के टाइम से एक सपना देखते हैं कि मैं एक ऐसा किरदार तैयार करूंगा, एक ऐसी फिल्म तैयार करूंगा जो अभी मेरा सपना है साकार करूंगा, कुछ ऐसा हुआ है? हमने हमेशा प्रयोग में ही विश्वास किया है, और आप भी विश्वास कीजिए, पिछले 15 साल जो भी हमें सिनेमा करने का मौका मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ, और अगले जो भी अब जो अगले 15 साल होंगे उसमें भी मन के सुख का ही सिनेमा होगा, और राजपाल यादव सिनेमा ही करेंगे, और सिनेमा जो होगा वो उसमें एक क्वालिटी होगी और 100% कुछ जो राजपाल को भी मज़ा देगा और पूरे देश दुनिया को भी मज़ा देगा। राजपाल जी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आपके नाम से क्या कोई इंस्टीट्यूट आने वाला है, आपके एक्टिंग के गुर आपके साथ ना ख़त्म हो, वो आपके शिष्यों तक पहुंचे, कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, अभी तो मैं बहुत शुरुआत मानता हूं और ऐसा कुछ भी नहीं अपने आप में मानता हूं। अभी ये बातें कुछ 10-5 साल के बाद करेंगे, ऐसा क्यों सोचते हैं? हाँ नहीं, अभी तो अभी अभिनय के दिन है, अभी काम के दिन है, अभी पहले काम कर लूँ, और इसमें तो हमारे मनोज भाई जो हैं ये बहुत अच्छे इंसान हैं और हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से लेके मैं मेरी पत्नी और वो तक वहाँ से साथ में करते हैं, और वो फिल्म जो है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, और इस फिल्म के लिए जो है इतनी सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि खूब चले, क्योंकि एक फिल्म चलती है 200 घर चलते हैं और बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मनोज जी हमने राजपाल जी से पूछा और हमने ये भी कहा कि उन्होंने आपने उनको नहीं लिया इस फिल्म में, तो नहीं लिया, नहीं मैंने अप्रोच किया था, कुछ डेटों का इशू था, कुछ चीजें थी, लेकिन आगे हम लोग ऑलरेडी एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसके मतलब इस फिल्म का हिस्सा है? अंदर से नहीं तो बाहर से तो होंगे ही आप? नहीं, अंदर से होंगे। और जब एक फिल्म में कोई ऑफर मिलता है, किन्हीं कारणों से फिल्म नहीं कर पाया था, लेकिन अगर आज यहाँ खड़ा हो इस फिल्म का लीला तो 100% इस फिल्म का हिस्सा। अगर मनोज जी कोई जो पात्र आप देना चाह रहे तो कौन सा पात्र होता है जो राजपाल जी कर पाता हूँ? मैं इसलिए नहीं कास्ट किया कि आगे जो मैं फिल्म कर रहा हूँ इनके साथ वो एक अलग छवि की है, एक अलग किरदार है, सिर्फ राजपाल यादव ही कर सकता है और कोई। और हमारे पास में बहुत पेशेंस है ब्रदर, हम अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इंतजार कर लेते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से अपने काम के प्रति कोई जल्दबाजी नहीं की, बाकी मतलब बहुत सारी दौड़ भाग करता रहता हूँ, लेकिन काम जितना पेशेंस के साथ आए उतना ही अच्छा होता है, आप लोगों को भी मज़ा आते, क्योंकि काम से ही जो भी अप्रिसिएशन मिला है आज तक, अब काम से ही मिलेगा। थैंक यू।